तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। ये गजब सा दिखने वाला मोबाइल का नाम है वीवो X100। आप लोग देख सकते हो इसका डिज़ाइन बहुत मस्त है। पीछे के साइड में आप लोगों को चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं और उसके साइड में आप लोगों को एक लाइट देखने को मिल जाता है। पीछे के साइड में नीचे में आप लोगों को वीवो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा। और वीवो X100 सीरीज़ के सभी स्मार्टफोन में आप लोगों को चिपसेट की बात करें तो MediaTek Dimensity 9300 का आप लोगों को चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि नया लॉन्च हुआ है। अभी किसी भी स्मार्टफोन के साथ ये आया नहीं है, डायरेक्ट वीवो X100 के सीरीज़ के स्मार्टफोन के साथ ये इंडिया में भी आने वाला है और चाइना में भी। अगर बात करें कि इसमें आप लोगों को क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे तो वीवो X100 का कुछ पता चल चुका है। इसमें आप लोगों को 6.78 इंच का 1.5K AMOLED 120Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड में आप लोगों को 50MP प्लस 50MP प्लस 64MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और 32MP का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 50MP और 64MP में आप लोगों को दोनों में OIS देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें आप लोगों को MediaTek Dimensity 9300 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। 12GB प्लस 16GB ROM वेरिएंट होने वाला है। 5000mAh का बैटरी होने वाला है। 120W का चार्जर। आउट ऑफ द बॉक्स ये आप लोगों को Android 14 पे देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। Wi-Fi 7 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कब लॉन्च होने वाला है और इसका प्राइस कितना होने वाला है लगभग। तो अगर लॉन्च डेट की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर हमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो वीवो X100 सीरीज़ चाइना में पहले लॉन्च होगा और ये 13 नवंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद नवंबर के एंड तक में ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बट अभी डेट कंफर्म नहीं है कि ये कितना तारीख को लॉन्च होगा, लेकिन नवंबर के एंड तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और अगर प्राइस की बात करें कि वीवो X100 सीरीज़ का प्राइस कितना होने वाला है, तो ये सीरीज़ के सभी स्मार्टफोन आप लोगों को 40,000 से ऊपर के प्राइस में ही देखने को मिलेंगे। ये फ्लैगशिप सीरीज़ के स्मार्टफोन होने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।